नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूँ आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। हिरण के बच्चे को कुत्तों ने बनाया शिकार, डॉक्टरों की टीम कर रही है उपचार। रोटरी क्लब के 50 वर्ष पूर्ण होने पर निकाली गई शोभा यात्रा, एकता का दिया संदेश। हेड कांस्टेबल की बेटी बनी सहकारिता विभाग में सहायक आयुक्त। और घर के आंगन में बैठी हुई बुजुर्ग महिला पर लोमड़ी ने किया हमला। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर हमीदपुरा बाईपास पर आवारा कुत्तों ने हिरण के बच्चे को अपना शिकार बनाया। घायल हिरण को देख मौजूद लोगों ने पत्थर मारकर कुत्तों को भगाया और इसकी सूचना 100 डायल को दी। 100 डायल पुलिस मौके पर पहुंची और वन विभाग को सूचना दी गई, पर अमला मौके पर पहुंचा और घायल हिरण के बच्चे को उपचार के लिए पशु चिकित्सालय पहुंचाया गया। यहां पर डॉक्टरों की टीम उसका उपचार कर रही थी, लेकिन उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। जब डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि कुत्तों ने बहुत ज़्यादा घायल कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। ये हिरन अभी जो लेकर के आए थे, इसको काफ़ी डॉग ने बहुत ज़्यादा घायल कर दिया था और बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस कंडीशन में लाए थे, और हमारे द्वारा इसको मतलब उपचार किया जा रहा था, उसी उपरांत ये ख़त्म हो गया है। नहीं, बस टाके लगान हम लोग साफ कर ही रहे थे, सफाई वगैरह जहाँ जहाँ उसको बाइट किया हुआ था डॉग ने, तो उसको हम साफ ही कर रहे थे, उतने में ही वो। बुरहानपुर जिले में रोटरी क्लब के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आज शाही किला क्षेत्र से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा का जगह जगह सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया। शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए लालबाग मार्ग स्थित गुरु सिख मॉल पहुंची, जहाँ पर यात्रा का समापन हुआ। यात्रा में रोटरी क्लब की डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी शामिल हुई थी, जिन्होंने पत्रकार वार्ता लेकर आगामी 1 वर्ष की कार्य योजना बताई और उन्होंने कहा कि हमेशा रोटरी क्लब समाज सेवा के लिए कार्य करता है, आगे भी करता रहेगा। बुरहानपुर अपने 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। 8 जनवरी 1975 को इस क्लब की स्थापना हुई थी, तो इनका ये बहुत बड़ा दिवस है, इसको मनाने डिस्ट्रिक्ट से मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के साथ आई हूँ। और बहुत ही सुंदर इन्होंने कौमी एकता रैली अभी निकाली, जिसको शोभा यात्रा बोल सकते हैं, या सभी समाजों के लोग थे और धर्मगुरु भी थे, हम लोग सब भी थे। पूरे शहर में बहुत अच्छा स्वागत और अभिनंदन हुआ, तो देख के बहुत गर्व हुआ कि इस क्लब ने, रोटरी क्लब ऑफ बुरहानपुर ने अपने क्षेत्र में अपनी विश्वसनीयता कायम की है। बुरहानपुर के गंगानगर कॉलोनी में रहने वाले पुलिस हेड कांस्टेबल राम गोपाल वर्मा की बेटी योगिता ने MPPSC की परीक्षा पास कर सहकारिता विभाग में सहायक आयुक्त का पद हासिल किया है। पिता का सपना था कि बेटी अफसर बने, इसके लिए पिता मेहनत कर बेटी को पढ़ाते थे। बेटी ने पिता का सपना साकार कर दिखाया। बेटी से जब आरटी हलचल की टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि मुझे पहले से ही पढ़ने में रुचि थी और माता पिता का भी सपना था कि मैं अफसर बनूं। इसके लिए मैंने परीक्षा दी और जिसमें मुझे पहली बार में ही सफलता हाथ लगी है। बेटी ने MPPSC की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से कहा कि आप लक्ष्य तय करें, सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरा नाम योगिता वर्मा है। मेरा चयन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2019 में AIR 65 में कॉपरेटिव डिपार्टमेंट में सहायक सहकारिता विभाग में मेरा जो है सहायक आयुक्त के पद पर मेरा चयन हुआ है। कैसा लग रहा है? सर, मुझे इस वक्त बहुत खुशी हो रही है कि मेरे माता पिता ने मुझे इतना सहयोग दिया, मेरी काफ़ी परीक्षा में सहायता करी, जिसका रिजल्ट यह है कि आज मैं आपके सामने इस वक्त उपस्थित हूँ। सर, सपोर्ट तो मुझे बहुत, जब से मैं छोटी थी उसी वक्त से काफ़ी सपोर्ट मिला, क्योंकि मेरी स्कूली शिक्षा के दौरान भी मेरे माता पिता ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, जिसके कारण मेरे हमेशा से स्कूल में भी मेरा रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। इसके बाद मेरे ग्रेजुएशन के दौरान मैंने जो है अपना ग्रेजुएशन BSc कंप्यूटर साइंस में जो है सेवा सदन कॉलेज बुरहानपुर से ही मैंने अपना जो है ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया है। आगे की बस सर, मैं इस वक्त अभी इस वक्त मेरा फिर से जो है 2023 में मध्य प्रदेश लोक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा जो है मेरी क्लियर हो गई है, तो अभी मैं मेंस की तैयारी में लगी हूँ। बड़ी खुशी मुझे, मेरी बच्चियाँ जिस पर पहुंचे, काफी खुशी कि हम लोगों की मेहनत
बुरहानपुर जिले के नेपानगर में घर के आंगन में बैठी हुई एक बुजुर्ग महिला पर लोमड़ी ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बुजुर्ग महिला को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुजुर्ग महिला का नाम शुशीबाई बताया जा रहा है, जो अपने घर के आंगन में बैठी हुई थी कि अचानक लोमड़ी भाग कर आई और उसने पंजा मार दिया, जिससे महिला घायल होकर जमीन पर गिर गई। मौजूद लोगों ने निजी वाहन की मदद से महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों की टीम बुजुर्ग महिला का उपचार कर रही है। कहाँ रहते हो? क्या हो गया आपके के साथ? लोमड़ी ने हमला कर दिया। क्या कर रहे थे आप? बैठे थे घर के आंगन में। कैसे हमला कर दिया? अचानक हमला कर दिया। बुरहानपुर यातायात पुलिस ने सुभाष चौक क्षेत्र में अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाकर यहां पर वाहन पार्किंग की व्यवस्था की है। यातायात सूबेदार हंस कुमार झिझोरे ने जानकारी देते हुए बताया कि लंबे समय से दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानों के बाहर सामान रख दिया जा रहा था, जिस कारण पैदल चलने वाले लोग और बाजार में खरीदी करने वाले लोगों को वाहन पार्किंग के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसको लेकर अतिक्रमण हटाकर सुभाष चौक क्षेत्र में वाहन पार्किंग बनाई गई है। अब यहाँ पर बाजार में खरीदी करने आने वाले लोग अपने वाहन पार्किंग करेंगे, जिनसे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। सुभाष पुतले के पास इस जगह पर पूरा, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये टू व्हीलर पार्किंग थी, जहाँ पर ठेले वाले ठेला लगाकर अतिक्रमण कर रहे थे और ठेलों को हटाकर यहाँ पर टू व्हीलर की पार्किंग की गई है। और अभी इस पूरे एरिया में और आपका पुराना कारखाना जो था, पूरे एरिया में आज पार्किंग मिल जाएगी। बुरहानपुर के नयामुल्ला क्षेत्र में रहने वाली समीरा कौसर गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पर जांच रिपोर्ट आने पर महिला की तकलीफ बढ़ी तो डॉक्टरों ने उसे सीजर करने की सलाह दी। सीजर करने पर पता चला कि नवजात की मौत हो चुकी है और बच्चादानी फट गई है, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने तुरंत ही मोर्चा संभाला और महिला का ऑपरेशन किया। एक घंटे तक चला ऑपरेशन सफल रहा, जिससे महिला की जिंदगी बच गई है। डॉक्टर पूनम सिंघल ने जब बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ क्रिटिकल केस सामने आया था, लेकिन पूरे स्टाफ और डॉक्टरों ने मिलकर समय पर ऑपरेशन किया। एक घंटे में ऑपरेशन पूरा हुआ, जिसमें सफलता हाथ लगी है। बच्चादानी फटने पर बच्चादानी सिल दी गई है, अब महिला दोबारा से माँ बन सकती है। इस पूरे ऑपरेशन को लेकर जब सिविल सर्जन से बात की तो उन्होंने कहा कि इस क्रिटिकल केस को हमारी टीम ने हैंडल किया, जिससे महिला गर्भवती की जान बच गई। उन्होंने टीम को बधाई देते हुए प्रशंसा की। तो 6 बजे के लगभग पेशेंट आया था कि पहले ऑपरेशन से बच्चा हो चुका है, दूसरा बच्चा है और उसको बहुत ब्लीडिंग हो रही है। तो जैसे ही देखा गया कि ब्लीडिंग हो रही है और बच्चे की धड़कन नहीं मिली, तुरंत हमको पता चला कि बच्चेदानी फट गई है। पेशेंट को पूरा काउंसलिंग करके उनके घर वालों को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में लिया और तुरंत उसका ऑपरेशन स्टार्ट किया। पेशेंट में खून लगभग 2-3 ग्राम ही होगा, उससे ज़्यादा था नहीं। तुरंत खून की व्यवस्था की गई, 2 खून टेबल पे ही लगाए गए और ऑपरेशन किया गया। जैसे ही पेट खुला तो पता चला कि पेट में 2 से 3 लीटर खून है, बच्चा उसमें मृत है और आवल वगैरह सब पेट में ही है। तुरंत सब निकाल के बच्चेदानी जो फटी थी उसको सिलने की कोशिश की गई और सक्सेसफुली सिल पाए। हमारे सारे डॉक्टर्स ने उसमें बहुत मदद की, साथ में हमारे CS सर और RMO सर का बहुत मार्गदर्शन रहा। कितने घंटे चला ऑपरेशन? लगभग 1 से 1.5 घंटे ऑपरेशन चला। अभी क्या स्थिति है पेशेंट की? पेशेंट अभी पहले से बेटर है। पेशेंट आया था परसों शाम को 6 बजे से बताया गया और रक्चर लिफ्ट के साथ आया था ये और हैंड प्रॉब्लम था बच्चे का। जैसे ही ये आए हमारे यहाँ के जो बायोलॉजिस्ट है उसको देखा और ये जब देखा तो उनको ये लगा कि ये सीरियस केस है, जल्दी से जल्दी इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जैसे भी बताया भी गया है कि एबडोमिनल केवी की जब खोला गया तो 2.5 से 3 लीटर कलेक्टेड ब्लड था वहाँ और पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में था। हमने इसको ऑपरेट किया, मैनेज किया और मैनेज करने के बाद भी जो लेडी है उसका ब्लड प्रेशर 70/16 था, तो उसमें भी फिर ज़्यादा मेहनत नहीं, उसमें भी कोशिश की, पर अल्टीमेटली जो
हमारी टीम ने एफर्ट किया है वो सक्सेसफुल हो गया है और लेडी सर्वाइव कर गई और अब नाउ जो ओरली जो खाना है और सब डाइट स्टार्ट कर दी है। ऐसा लग रहा है कि हम 3 से 4 दिन में डिस्चार्ज कर रहे हैं और वो प्रॉपरली जा सकते हैं।